बोलिए लाडली लाल की। आप लोगों ने सुना होगा, एक हिंदू मुस्लिम धर्म में गया, मोहम्मदन बन गया, तो मौलवी ने कहा देखो हमेशा अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा किया करो, राम राम श्याम श्याम बन। ने कहा ठीक है, अब मोहम्मदन बन ही गए हैं, अल्लाह अल्लाह बोला करें। सवेरे जब वो उठा नींद से, हे राम ऐसा बोलता हुआ अंगड़ाई लिया उसने। नींद से उठने के बाद तो याद नहीं रहा कि मुसलमान, तो मौलवी ने सुन लिया, उन्होंने कहा अरे क्या कर रहा है तू, हे राम कह रहा है। उन्होंने कहा मौलवी साहब 42 साल से तो राम मेरे हृदय में बैठे हैं, खुदा को अभी कल ही आए हैं, वो कैसे हटा देंगे उनको। अरे भाई समय लगेगा ना, अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए भी काफी दिन। तो जब 42 वर्ष के बैठे हुए राम खुदा के रूप में नहीं बदल रहे हैं, टाइम लगेगा, तो अनादिकाल से अब तक जो हमने हृदय में बैठा रखा है ये संसार हमारा है, वो एक दो दस कृपालू के कहने पर सहसा नहीं मिटेगा, इसके लिए भी बहुत कुछ करना होगा, परिश्रम करना होगा, साधना करनी होगी। किसी के लिए आप लोग यहां आते हैं। अस्तु, अब प्रश्न ये है कि क्या किया जाए कि श्याम सुंदर को अपना मान सके, संसार को अपना न मान सके। और बात तो सब समझ में आ गई, श्याम सुंदर ही हमारे हैं, बिल्कुल ठीक, संसार हमारा नहीं है, तो प्रत्यक्ष भी है, गधा भी देख रहा है, 7 चक्कर लगाया स्त्री पति ने और उसके बाद पति मर गया पहले या बीवी मर गई। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, तुमने तो मृत्यु पर्यंत तो साथ देने का वादा किया था। अरे तो अपनी मृत्यु पर्यंत वादा किया था कि तुम्हारी मृत्यु पर्यंत किया था। भाई हमने ये वादा किया था अपनी मृत्यु पर्यंत तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी मृत्यु पर्यंत हम साथ देंगे, ये हमारे बस में नहीं, क्योंकि हमारा टाइम समाप्त हो गया, अब हम जा रहे हैं, अब दूसरा पति बनाएंगे, दूसरी बीवी बनाएंगे, दूसरा बाप बनाएंगे, अब फिर से नया नया अध्याय शुरू होगा, अनंत बार यही हो चुका है नाटक। तो ये गड़बड़ कैसे मिटे इस पर विचार करना है। ये जो एक शब्द में आप समझ सकते हैं कि श्याम सुंदर को ही अपना मानो, इस वाक्य के पालन में कौन सक्षम है, अर्थात इस वाक्य का पालन कौन करेगा। आप लोग क्या करते हैं, मैं तो मैंने मैं बताया दो है, एक मैं आत्मा, एक मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि, तो ये वर्कर कौन है, किसी कर्म का कर्ता कौन होता है। आत्मा, आत्मा अगर कर्ता होता तो फिर ये बुरे दिन ही क्यों होते। आत्मा तो अकर्ता है, वो कुछ नहीं करता, उसको बिचारे को तो भोगना पड़ता अवश्य है, ये करता नहीं। यद्यपि सांख्य ने कहा है आत्मा अकर्ता है, किंतु ऐसा है नहीं,